आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 3 प्रतिलेखन संख्या 29 व 30 गति 100 शब्द प्रति मिनट बी रेडी 3 2 1 स्टार्ट। महोदया, यह बड़ी अजीब बात है कि समाज के जिस वर्ग ने इस पूरे समाज की सर्वाधिक सेवा की हो वह उन्हीं लोगों द्वारा सर्वाधिक प्रताड़ित किया गया। विराम। यह कैसी विडंबना है जब सदियों से पीड़ित और शोषित दलितों ने अन्याय, अभाव और अज्ञान के खिलाफ संघर्ष किया, उससे मुक्ति पाने का प्रयास किया, तब तब उन लोगों को कठिनाई हुई जिनके निजी स्वार्थ पर चोट पहुंचती थी या जो सदियों से उनका शोषण कर रहे थे। विराम। यही कारण है कि हिंदुस्तान में जहां भी दलित वर्ग के लोगों ने आत्मसम्मान के लिए आगे कदम बढ़ाने की कोशिश की, उनको अपमानित होना पड़ा, प्रताड़ित होना पड़ा। अतीत में जो भी घटनाएं घटी हैं वे सब निंदनीय है, लेकिन उनका सहारा लेकर जो कुम्हेर में हुआ उसके लिए प्रशासन को या राज्य सरकार को दोषी न ठहराया जाए, यह बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। विराम। पैरा महोदया, नारायणपुर की एक घटना ने झकझोरा है। हालांकि यह एक छोटी घटना थी, लेकिन अगर एक व्यक्ति की भी जान जाती है तो बदकिस्मती होती है, इसलिए मैं छोटी घटना नहीं कहूँगा। उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। महोदया, अभी कुछ वर्ष पहले इजराइल के सैनिकों ने लेबनान में PLO शरणार्थियों के दो कैंपों में महिलाओं और बच्चों पर जब आक्रमण किया तो इजराइल के यहूदियों ने राजधानी तेल अबीब में प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया कि रक्षा मंत्री त्यागपत्र दे। विराम। उनका तर्क था कि अगर हम आज निहत्ते लोगों की हत्याएं कर रहे हैं तो हममें और हिटलर में क्या फर्क था जो यहूदियों की हत्या कर रहा था। विराम। इसलिए मैं माननीय गृहमंत्री जी से यह कहना चाहूँगा कि जो यह बयान दिया गया है यह राजस्थान सरकार का बनाया हुआ बयान है, और मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि चाहे अयोध्या का प्रश्न हो, चाहे राजस्थान का प्रश्न हो, चाहे कोई प्रश्न हो, केंद्र की सरकार अपनी एजेंसीज का, अपने विवेक का कहीं इस्तेमाल नहीं कर रही है। विराम। जो दोषी है, जिनको दंडित होना चाहिए, जिनको सत्ता से हटाया जाना चाहिए, अगर उन्हीं की रिपोर्ट पर आप बयान करेंगे तो केंद्र की सरकार का औचित्य क्या है? पैरा, इनकी जो एजेंसीज हैं उनका क्या औचित्य है? पहली तारीख से 6 तारीख तक घटनाएं बढ़ती रहें, लोगों के घरों को जला दिया जाए, सैकड़ों लोग बेघर हो जाएं, और इसके बाद भी किसी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही न हो, किसी अधिकारी को जेल न भेजा जाए, किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। विराम। महोदया, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर बड़ी लंबी बहस हो सकती है। इतना दर्दनाक यह मामला है कि आदमी जब भावुक हो जाता है और जब रोका जाता है तो भाई अजीत जोगी की तरह कभी कभी ऐसा होता है कि अध्यक्ष को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। विराम। सिर्फ
यह कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार अपने विवेक का इस्तेमाल करे। पैरा महोदया, इस रिपोर्ट को जो प्रत्यक्षता है यह दर्शाती है कि यह सब गलत है, बिल्कुल पूरी तरह से असत्य है। सारे तथ्यों को छिपाया गया है। एक जाटवों को आक्रामक साबित करने की कोशिश की गई है जो पूरी तरह से गलत है, असत्य है। इसलिए इस विवरण को पूरी तरह से नकार कर केंद्र सरकार अपनी एजेंसीज से रिपोर्ट मंगाए, उसके बाद उसके आधार पर दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करे और आवश्यकता पड़े तो राजस्थान की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा ठोस आधार और कोई हो ही नहीं सकता किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने के लिए। पैरा महोदया, यह जो माननीय गृह मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है और उसमें उन्होंने यह बहुत साफ लिखा है कि राज्य सरकार ने जो रिपोर्ट भेजी है उसके अनुसार तथ्य इस प्रकार है, मुझे हैरानी हुई यह वक्तव्य पढ़कर, क्योंकि 10 जून को कांग्रेस अध्यक्ष श्री नरसिंह राव जी ने इस कुम्हेर कांड के तथ्यों की जानकारी के लिए एक कांग्रेस समिति का दल भेजा था और 4 सदस्यीय दल में मुझे भी वहां जाने का मौका मिला था और शायद यह पहला दल था उस घटना के बाद जो प्रत्येक मरने वाले के घर में गया, प्रत्येक पीड़ित के घर गया, वास्तविकता और तथ्यों का पता लगाया, न सिर्फ उन लोगों से बल्कि उस समय जो वहां उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे उन लोगों से भी बातें की। विराम, जो उन्होंने उस समय हमको बताई थी 10 जून को, आज भी इस वक्तव्य में ऐसी बात है जो कहीं कहीं मेल नहीं खाती। मुझे हैरानी होती है कि इतना बड़ा झूठ भी कोई सरकार सिर्फ अपनी छवि बचाने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए बोल सकती है। यह पढ़कर मुझे हैरानी होती है। विराम, पैरा महोदया, इसके अंदर घटना जो 1 जून से शुरू की गई है और 7 जून तक लिखी गई है, 1 जून की घटना के बारे में यहाँ यह लिखा है कि सिनेमा हॉल के अंदर जाटव समुदाय और जाट समुदाय के लोगों के बीच हाथापाई हुई, क्योंकि जाटव समुदाय के कुछ लड़कों ने बिना टिकट के सिनेमा हॉल में घुसने का प्रयास किया। विराम महोदया, यह तथ्यों से बिल्कुल परे है। जैसा माननीय सदस्य श्री अजीत जोगी कह रहे थे वह सही है कि वह जाटव टिकट लेकर के सिनेमा हॉल गए, लेकिन उनको कुर्सी पर नहीं बैठने दिया। विराम, उनको नीचे बैठने के लिए बाध्य किया गया। इस बात पर वहां तकरार हुई और सिर्फ तकरार हुई, कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं हुआ। इसमें लिखा है कि उसके बाद भी 300 से 400 जाटव लड़कों ने सिनेमा हॉल पर तथाकथित पथराव किया। विराम, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं और वह सरकार से पूछे कि जब 300 से 400 जाटव लड़के वहां इकट्ठे हुए
और उन्होंने पथराव किया तो क्या उन्होंने कार्रवाई की? विराम।